मिथिलेश यादवेंद्र लगातार हवेली खड़गपुर के दौरा पे हूँ, जनता की राय, जनता की मूड दिखा रहा हूँ। और इसी कड़ी में जो है वार्ड नंबर 12 से हमारे बीच वार्ड नंबर 12 के भावी पार्षद प्रत्याशी श्री नाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। इन्हीं से चलिए पूछते हैं किस मुद्दे पे ये चुनाव लड़ रहे हैं। तो श्रीन जी, मैं मिथिलेश यादवेंद्र आपका अपना मुंगेर पे हार्दिक स्वागत करता हूँ। नमस्कार सर। श्रीन जी, जैसा मुझे पता चला है कि पहले ये 12 नंबर 9 नंबर वार्ड हुआ करता था, 9 नंबर से अपग्रेड होकर करके ये 12 नंबर हो गया है। ऐसे में 12 नंबर में क्या समस्या है? जो काम 12 नंबर में होना चाहिए वो काम हुआ है क्या, या कुछ काम की कमी है? जी, कुछ कमी है सर। हम खुद घूम कर के आए हैं, देखें कि वहाँ कुछ कमी है सर। जैसे सड़क वहाँ का, वो सब कुछ गड्ढे नाले वो सब पूरे नहीं हुए हैं अच्छी तरीके से, जो कि पूरे होने चाहिए थे। बस अगर आप लोग का सहयोग रहा और अगर जनता का सहयोग रहा सर, मैं पूरा करूँगी उसको। जनता ही मालिक है, जनता ही सहयोग करेगी। एजी मीडिया हम लोगों का काम है जनता तक आपकी आवाज़ को पहुंचाना, तो हम तो सबके लिए बराबर हैं, लेकिन जनता मालिक है, जनता आपको चुनेगी। आपने जो मुद्दा बताया है उसमें आप, मैं दोबारा पूछना चाहूँगा कि किस मुद्दे पे आप चुनाव लड़ रहे हैं इस बार? बस यही सर, जो हम देखे, जो हम महसूस किए सर, जो कि वो काम होना चाहिए था और वो नहीं हुआ है, कुछ अधूरे काम भी है। हम तो सब जगह घूम रहे हैं ना सर, तो हम देख रहे हैं जो काम होने चाहिए था अभी नहीं हुए हैं, बहुत पूरी तरीके से पूरे नहीं हुए हैं। बस वही मेरा मुद्दा होगा सर, जनता का जो काम रुका हुआ है वो सब जनता तक पहुंचे और वो काम पूरा हो, बस यही मेरा मुद्दा है। खड़गपुर की जनता जो है के साथ साथ जो 12 नंबर की जनता है वो तो कम से कम जानना चाहेगी ना कि क्या क्या स्कीम लेकर करके आ रहे हैं आप। हर कोई जो है अपना अपना जो है प्रस्ताव के साथ साथ एक घोषणा पत्र लेकर करके आते हैं कि मैं ये करूँगा ये करूँगा, आप मुझे वोट दीजिएगा। तो कुछ ना कुछ, ये मुद्दा तो आपने बता दिया कि जो अधूरे काम है वो तो हम पूरा करेंगे, लेकिन उसमें से कुछ मुख्य होगा कि और प्रत्याशी नहीं सोच रहे आप लेकर करके आए, ऐसे में कुछ होगा? सर जैसे वृद्धा पेंशन है जो कि बहुत को नहीं मिला है और मिलना चाहिए उन लोगों को, वो सब नहीं मिला है, उसको पूरा करूँगी। और जो नया स्कीम आया सर वो सब जनता तक पहुँचाऊँगी, वही मेरा काम रहेगा। और फिर यस सर, वो सब जो भी पूरा स्कीम है वो देखूँगी जनता तक पहुँचे, वही मैं अपना काम करूँगी सर। और मोहम्मद फिरोज अंसारी जी हमारे साथ बैठे हुए हैं, ये इनके पति हैं, इनसे भी मैं आपकी मुलाकात करवाता हूँ। अपना मुंगेर पे मैं मिथिलेश यादवेंद्र हार्दिक स्वागत करता हूँ आपका। नमस्कार सर। आप की मैडम जो बता रही हैं कि जो मुद्दे बताए हैं कि ये जो काम हुआ है वो तो ठीक है, लेकिन जो काम नहीं हुआ है वो काम लेकर करके जो है ना आएंगे करेंगे। ऐसे में मैं देखता हूँ कि पति पत्नी कुछ भी हो एक ही यूनिट माना जाता है। पांच जो है प्रत्याशी हैं चुनाव मैदान में आपके वार्ड से, ऐसे में जो आपकी पत्नी है श्रीनाथ जी, उनको ही वार्ड जो है 12 नंबर वार्ड की जनता उनको ही क्यों चुने, क्या खास है आप लोगों में? सर चुने कि सर बहुत से काम ऐसा है कि जो पहले वार्ड में जो थे वो नहीं किए हैं, और हम लोग चाहते हैं कि उसको बढ़ चढ़ के काम करें, गरीब लोग को भी कुछ मिले और अच्छा काम हो, जैसे सड़क हुआ, गरीब का इंदिरा आवास हुआ, योजना जो भी फंड आ रहा है सबका काम अच्छी होना चाहिए सर। बहुत से काम ऐसा है जो कि नहीं किए हैं, तो हम लोग चाहते हैं सर जनता लोग को ही मालिक है हमारी, जीते भी तो मालिक वो रहेंगे, इसलिए बढ़िया से काम होगा और ये सब करना चाहिए सर। कुछ ना कुछ खास तो होगा आप में, पांच लोग तो हैं, पांच में आप भी हैं ना? जी सर। आपके अलावा चार और होंगे? जी सर हैं। तो पांच में से एक को चुनना है? जी सर। 12 की जनता एक आदमी को ही चुनेगी इस बार, तो कुछ खास बताइए कि हम ये करेंगे, कुछ तो योजना होगा, जनता को बताइए ना। जी सर, हमारा योजना ये है सर, जैसे कि जो भी आएगा फंड में आ गई, नल है, जैसे पानी समस्या है, ये सब बिजली का समस्या जो भी हो वो सब समस्या हम लोग पूरा करेंगे। जी सर। अच्छा, वो सब समस्या पूरा करेंगे। ठीक है, मान लिया जाए कि आपकी जो है वार्ड की जनता जी आपको जिता देती है, जी सर, आप में विश्वास जताती है, आपको जो है बहुमत से जिता दिया, जी सर,
अगले 5 साल में जो है वार्ड को कहाँ देखना चाहेंगे, कैसा रहेगा वार्ड, कैसा दिखेगा ये? अच्छा दिखेगा सर, जो कि अच्छा से दिखे और अच्छा ये बने तो ये अच्छा बनेगा ना, और ये बने ऐसा बने जो कि अच्छा से ही चले, और सब हमारा जो बनेगा सब मालिक हमारा आम पब्लिक रहेगी जी, ऐसा ना कि काम बढ़िया हो और बढ़िया से कराए, ये नहीं अधूरा रहे, वो सब नहीं होना चाहिए सर, बढ़िया से काम करनी चाहिए। बढ़िया से काम होगा मतलब आप जो है जनता को आगे रख कर करके काम करेंगे, जनता दरबार तो नहीं लगाएंगे? नहीं सर, वो नहीं होगा, जनता मेरे आगे ही रहेंगे और हैं भी, उन्हीं का सहयोग से सर हमने मुझे चुना गया है, अब बोला आप हो तो हमारा ये सब जो दुख है वो दूर आप कर सकते हैं। सारे प्रत्याशी मैं मतलब वार्ड पार्षद से भी मिलता हूँ, सभी के मुंह से लगभग सुनता हूँ कि जनता ही खड़ा किए हैं, जनता के आवाज पे जो है मैं आगे आया हुआ हूँ, तो ऐसे में जो है आपकी जीत तो सुनिश्चित होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए सर? एकदम होनी चाहिए, वो लोग सहयोग भी दे रहे हैं कि बोले नहीं आपको ही होना, श्रीनाज को कीजिए और हम लोग आपके साथ है, सहयोग दे रहे हैं, जो काम अधूरा है सर आप लोग पूरा कीजिए, बहुत से ऐसा भी है जो पहले के वार्ड में जो थे 9 नंबर, बहुत से काम वो अधूरा छोड़ दिए हैं, वो किए नहीं है, इसलिए अभी हम लोग को चांस दिया जाए और अच्छा से काम किया जाए। मतलब 9 नंबर में जो भी वार्ड पार्षद रहे थे उनके कामों से आप सेटिस्फाइड नहीं थे? नहीं सर, नहीं है सर, सेटिस्फाइड नहीं है, जो काम होना चाहिए वो नहीं हुआ, बहुत से गरीबों का ऐसा हुआ कि बहुत सा सामान नहीं मिला, बहुत को इंदिरा आवास नहीं मिला, बहुत से काम ऐसा रहा सर जो कि नहीं मिला उनको, इसके लिए सर हम लोग को चुना गया है और जो भी रहेंगे वो सब करना है, हम लोग को पूरा करना है सर, जो कि अगले चुनाव में भी फिर वो मौका दे मुझे। बहुत अच्छा, तो अपना मुंगेर जो है सभी को प्लेटफॉर्म भी देती है डायरेक्ट जनता से जुड़ने के लिए, आप इस चैनल के माध्यम से अपील भी कर सकते हैं, कुछ बोलना है तो डायरेक्ट जनता से आप बोल सकते हैं? जी सर, जी जी बोल सकते हैं, जनता का ही बोलना है सर कि जनता से ही सब ये है, मालिक है या ये है, सहयोग है, सब है सर। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे जनता से आप? जी जनता जी, जनता जो खड़े किए हमको भारी मतों से जिताए और विश्वास करे हम पर, विश्वास करे कि जो अधूरे काम है पूरे करूंगी पूरी निष्ठा से, और जो नए काम है जो नई योजना है सरकार की उन तक पहुंचाऊंगी, एक मौका दे के देखे जनता, यही अपील करती हूँ।